34 साल का एक टैलेंटेड डैशिंग और यंग एक्टर जिंदगी से रूठ गया। बॉलीवुड अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत अब हमारे बीच नहीं है और रविवार दोपहर जब ये खबर सामने आई थी तो सभी लोग हैरान रह गए। टीवी सीरियल में अपनी एक्टिंग का जादू दिखाने के बाद फिल्मों के जरिए लोगों के दिलों में जगह बनाने वाले राजपूत का मृत शरीर रविवार को उनके घर पर मिला था। मुंबई के बांद्रा इलाके में जहां वो किराए के फ्लैट में रहा करते थे, उसी फ्लैट से उनका मृत शरीर बाहर निकाला गया। पुलिस का कहना है कि सुशांत ने आत्महत्या की है, लेकिन इसकी वजह अब तक सामने नहीं आई है। हालांकि बताया जा रहा है कि वो पिछले 6 महीने से डिप्रेशन से लड़ रहे थे। सुशांत सिंह राजपूत का मुंबई में खुद का एक फ्लैट भी था, लेकिन वो बड़े घर में रहना चाहते थे, इसलिए करीब 8 महीने पहले वो इस किराए के फ्लैट में शिफ्ट हुए थे। वो इस फ्लैट में अकेले नहीं रहते थे, उनके साथ उनके क्रिएटिव मैनेजर, उनके एक दोस्त और घरेलू हेल्पर थे जो उनके लिए खाना बनाया करते थे, वो भी इसी फ्लैट में रहा करते थे। उस घर में रहने वाले किसी भी सदस्य ने ये नहीं सोचा था कि रविवार का दिन अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत का आखिरी दिन होगा। सुशांत सिंह राजपूत के घरेलू हेल्पर ने पुलिस को बताया, सुबह तक सब कुछ ठीक था। सुबह करीब 6:30 बजे सुशांत सिंह राजपूत सोकर उठे थे। घर के नौकर ने उन्हें सुबह 9 बजे अनार का जूस दिया और फिर उन्होंने वो पिया भी। इसके बाद सुशांत ने 9 बजे अपनी बहन से बातचीत की। बहन से बात करने के बाद उन्होंने अपने दोस्त महेश शेट्टी से बातचीत की, जो कि अभिनेता हैं और उन्हीं के साथ सुशांत ने अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत भी की थी। ये दोनों एक साथ दिखे थे एकता कपूर के शो किस देश में होगा मेरा दिल में। दोनों बेहद अच्छे दोस्त थे और सुशांत ने आखिरी कॉल उन्हें ही किया था। इसके बाद वो अपने कमरे में चले गए और कमरा अंदर से बंद कर दिया। जब सुबह 10 बजे खाने के बारे में नौकर पूछने आए तो सुशांत ने दरवाजा नहीं खोला। फिर 2-3 घंटे बाद मैनेजर ने सुशांत की बहन को फोन किया। उनकी बहन आई और तब ताला चाबी बनाने वाले को बुलाकर दरवाजा खुलवाया गया और जो सामने दिखा वो देखकर सब सहम गए। पुलिस के मुताबिक सुशांत की मौत 10 बजे से 1 बजे के बीच बताई जा रही है। बहन और बाकी जो लोग वहां मौजूद थे, उन्होंने सुशांत का शव फंदे से लटके हुए देखा। इसके बाद घरेलू हेल्पर ने पुलिस को फोन लगाया। पुलिस ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि हमें सुशांत की मौत की खबर 2 बजे मिली और करीब 2:30 बजे पुलिस उनके फ्लैट में पहुंच गई थी। मुंबई पुलिस ने 2:30 बजे से ही अपनी जांच पड़ताल शुरू कर दी। पुलिस को फ्लैट से अभी तक कोई सुसाइड नोट नहीं मिला। सुशांत सिंह राजपूत के शव को रविवार शाम 5:30 बजे डॉक्टर आरएन कपूर हॉस्पिटल ले जाया गया था। वहां उनका पोस्टमार्टम हुआ। शाम 6:45 के आसपास मुंबई के डीसीपी जोन 9 के अभिषेक त्रिमुखे ने मीडिया को बताया, अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत फांसी लगने से हुई है, लेकिन पुलिस पोस्टमार्टम रिपोर्ट मिलने के बाद ही उनकी मौत का सही कारण बता सकती है। अभी तक हमें कोई संदिग्ध वस्तु नहीं मिली है। अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत 34 साल के थे और उन्होंने बॉलीवुड में अपनी अलग एक पहचान बनाई।